हेलो गाइस, तो यार स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो यार आज हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे टेक्नो गेमर्स का अम्यूजमेंट पार्क। पूरा अम्यूजमेंट पार्क नहीं बनाने वाले अपन लोग, बनाने वाले हैं अम्यूजमेंट पार्क की एक राइड जो कि होने वाली है फेरिस व्हील। तो अब काफी लोग मुझे बोलेंगे कि यार आपने पूरा अम्यूजमेंट पार्क क्यों नहीं बनाया। तो उसका रीजन ये है कि गाइस जो वो अम्यूजमेंट पार्क है ना, वो एक पूरा टेरेन बेस्ड बिल्ड है। यानी कि उसको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का टेरेन चाहिए, लाइक नीचे वाटर चाहिए अपन को एंड साइड में जो और लैंड वगैरह होती है ना, वो भी उसके अकॉर्डिंग चाहिए अपन को एकदम, तब जाके एकदम परफेक्ट लुक आएगा उसका जैसा उनका है, वरना उसको बनाना बिल्कुल ही वेस्ट है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं ओनली आपको राइड्स ही लाके दूंगा, यानी कि जितनी भी राइड्स हैं मैं आपको सबका ट्यूटोरियल दे दूंगा, लाइक जितनी भी है वहाँ पे। तो अपनी फर्स्ट होने वाली है फेरिस व्हील। एंड यार आप सोच रहे होंगे यार फेरिस व्हील ही तो है, इतना नॉर्मल सा ही तो होगा। अभी गाइस बना के देखना है, इसको चलेगा पता कितना नॉर्मल है ये, इतना ज्यादा मुश्किल है। जब स्टार्टिंग में मैंने इसको बनाया था ना, तो गाइस कम से कम मुझे 8 घंटे लग गए थे इसको बनाने में। सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी इसके पीछे जो रेडस्टोन वाला काम है ना, जो ऑब्जर्वर लगाने वाला काम है, इतना ज्यादा मुश्किल था। एंड वो पूरा काम मैंने खुद से किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में बिल्कुल भी शो नहीं किया था कि कैसे लगाया उन्होंने पूरा। तो यार ये सब करने के बाद में अब जाके पूरा कम्प्लीट हुआ है। एंड साथ में गाइस अब मैं आपको सिखाने भी वाला हूँ इसको। तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो का लाइक गोल है पूरे 1000 लाइक का। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यार अब चलते हैं और देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो यार लेट्स गो। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे 25 ब्लॉक प्लेस करने पड़ेंगे, यहाँ से लेके वहां तक पूरे 25 ब्लॉक्स हैं। और गाइस ये टेम्पररी ब्लॉक्स हैं, ठीक है। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे लेना है ग्रास ब्लॉक्स, और आपको साइड में आना है और यहाँ पे ना आपको एक प्लेस करना है, देन साइड में इसके लगाने 3 और पीछे लगाने 4, 1 2 3 4। देन इसके को आपको इंक्रीज करना है 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 7 और लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। एंड इनको आपको जोड़ना है आपस में, तो ये आपका गाइस ऐसा 8x8 का बन जाएगा। देन आपको पूरा फिल कर देना है इसको, तो ये ऐसे आपका एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा 8x8 का, ठीक है। सेम रिपीट करना है आपको यहाँ पे, यहाँ पे आपको 4 प्लेस करने हैं, 1 2 3 4। देन इसके पीछे आपको 4 और प्लेस करने हैं, 1 2 3 4। सेम करना है आप यहाँ पे 7 लगाने और 7 यहाँ पे लगाने हैं एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 6 7, और इनको आपस में जोड़ देना है। देन जितनी भी जगह बची है पूरी फिल कर देनी है। तो ये आपका ऐसे बनना चाहिए, 2 प्लेटफॉर्म बनने चाहिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बिल्कुल सेम। इसके बाद में गाइस आपको वापस से यहाँ पे टेम्पररी ब्लॉक लेना है, और इस बार गाइस आपको यहाँ पे जो अपनी लाइन लगाई है 25 ब्लॉक की, आपको काउंट करना है यहाँ से 1 2 3 4, और 13th वाले ब्लॉक पे गाइस आपको यहाँ पे 14 ब्लॉक और प्लेस करने पड़ेंगे ऊपर तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 आपको टेम्पररी ब्लॉक और प्लेस करने हैं 13th वाले ब्लॉक पे। अपन ये वाले जो ब्लॉक्स हैं सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो मेजरमेंट है बिल्कुल परफेक्ट होए। सो इतना करने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे लेना है आपका ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज, और आपको इसके ऊपर एक प्लेस करना है, देन इसको आपको इंक्रीज करना है 3 बार सामने की तरफ, और पीछे लगाना है 4 और, 1 2 3 4। तो ये आपका ऐसे बनना चाहिए। देन आपको एक यहाँ पे और लाइन लगा देनी है सेम, और एक आपको यहाँ पे सेम ब्लॉक पीछे लगा देना है इसके। तो ये आपका ऐसे बनना चाहिए बिल्कुल। इसके बाद में लेनी है आपको क्वार्ट्ज स्टेयर्स, और आपको एक पूरी रो यहाँ पे लगा देनी है ऐसे करके, सेम यहाँ पे रिपीट करनी है। देन आपको स्टेयर्स लगाने के बाद में वापस से ऊपर आना है, और यहाँ पे भी स्टेयर लगा देनी है, सेम यहाँ पे करना है। देन वापस पीछे आना है, और यहाँ पे एक लेयर और लगानी है स्टेयर की, सेम जो अपने नीचे लगाई थी ऐसे करके, पीछे भी रिपीट करना है। देन वापस से आपको स्टेयर के ऊपर एक और स्टेयर लगानी है, और यहाँ पे भी सेम करनी है। देन इसके बाद में सेम रिपीट करना है आपको प्रोसेस, यहाँ पे उल्टी करके लगानी है स्टेयर साइड साइड में, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये आपका ऐसे फॉर्म होना चाहिए बिल्कुल। तो इतना होते गाइस अब आपको वापस से आपका ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज लेना है, और आपको यहाँ पे 2-2 इंक्रीज कर देना है इस वाली स्टेयर के ऊपर, सेम यहाँ पे करना है। तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। देन वापस से आपको क्वार्ट्ज की स्टेयर लेनी है, और इस बार आपको गाइस यहाँ पे लगानी प्लेस करनी है, और यहाँ पे भी सेम लगानी है। देन आपको वापस से अंदर आना है यहाँ पे स्टेयर लेके, और इस बार आपको गाइस ऐसे उल्टी लगानी है, यहाँ पे सेम पीछे लगानी है, यहाँ पे उल्टी करके। देन वापस से प्रोसेस रिपीट करना है, इसके ऊपर एक और लगानी है इसे स्ट्रेट करके, यहाँ पे और यहाँ पे। देन एक बार और यहाँ पे उल्टी करके लगानी पड़ेगी, मतलब थोड़ा शेप जो है इसका टेढ़ा मेढ़ा करके है, पर ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कर देना पीछे की साइड पे। तो इतना करने के बाद में गाइस अब आपको लास्ट बार एक और बार यहाँ पे स्टेयर प्लेस करनी पड़ेगी ऊपर, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। देन बीच में जितनी भी जगह बची है आपको यहाँ पे 3-3 जो आपके क्वार्ट्ज के ब्लॉक है ना, वो यहाँ पे प्लेस कर देना है, और पूरा इसको फिल कर देना है कुछ इस तरह से। तो ये आपका जो मिडिल वाला पार्ट है पूरा बन चुका है। सोबिता करने के बाद में अब आपको आना है इसके साइड में यहाँ पे, और यहाँ पे गाइस ये दो ब्लॉक लगे हुए हैं ना, आपको नीचे वाले ब्लॉक से काउंट करना है 3 ब्लॉक, 1 2 3, और फोर्थ वाले ब्लॉक पे गाइस आपको 5 ब्लॉक लगाने हैं यहाँ पे आपके स्टोन ब्रिक के। तो 1 2 3 4 5,
सेम यहाँ पे लगाने हैं 1 2 3 4 5। देन गाइस आपको नीचे वाले ये दो स्टेट तोड़नी है और यहाँ पे आपको लगाने हैं 7 ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 6 7। सेम यहाँ पे करने हैं 1 2 3 4 5 6 7। सेम रिपीट करना है आपको यहाँ पे भी पीछे भी। तो मैंने पीछे भी सेम रिपीट कर दिया। तो गाइस अब मैं जो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ना, आपको बिल्कुल सेम टू सेम उसका एग्जैक्ट कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पे। इतना करने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे गाइस आपको इसके नीचे 2 ब्लॉक प्लेस करने हैं, देन 2 आगे प्लेस करने हैं, देन 2 बार पीछे ब्लॉक प्लेस करने हैं। टोटल मतलब 4 प्लेस करने पड़ेंगे इस तरह से। देन सेम चीज रिपीट करनी है यहाँ पे, 2 यहाँ प्लेस करने हैं, 2 सामने प्लेस करने हैं, फिर 2-2 पीछे प्लेस करने हैं। तो ये वाला आपको 4 बार करना पड़ेगा। तो अपने 2 बार तो कर दिया, अब 1-2 बार और कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 लगाते हैं, 2 यहाँ पे लगाते हैं, फिर 2-2 यहाँ पे 2 बार लगा देते हैं। तो सेम 1 बार और कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 लगाते हैं, फिर सामने 2 और पीछे 2 बार 2-2, 1-2, 1-2, ठीक है। तो ये आपका ऐसे बनना चाहिए बिल्कुल। सेम रिपीट करना है आपको यहाँ पे भी। तो कुछ इस तरह से करना पड़ेगा दोनों साइड पे, 4-4 और ऐसे लगाने पड़ेंगे आपको। सो इतना करने के बाद में गाइस अब आपको आना है यहाँ पे नीचे की साइड पे, जहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किए थे, और यहाँ पे गाइस आपको लेना पड़ेगा पॉलिश ब्लैकस्टोन ब्रिक स्टेयर्स। और गाइस आपको यहाँ पे 1 ब्लॉक छोड़ के 6 यहाँ प्लेस करनी है, फिर 5 इसके आगे लगानी है आपको, और फिर 5 यहाँ पे लगानी है, ठीक है। मतलब 1 ब्लॉक छोड़ के आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, देन बीच में लगाना है इसके यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स। सेम रिपीट करना है यहाँ पे आपको। Eventually. देन आपको मिडिल के जो 4 ब्लॉक हैं, इनको आपको 2 बार एक्सटेंड कर देना है ऐसे करके, सेम वहाँ पे करना है। स्वेता करने के बाद में अब आपको सेम ब्लॉक लेना है और इसके ऊपर इस तरफ आपको गाइस 3 ब्लॉक इंक्रीज करने पड़ेंगे, 1 2 3। सेम साइड में करने हैं इसके 1 2 3, पीछे के 2 छोड़ देना है, और जो अपने 3-3 इंक्रीज करे इनके आगे आपको 2-2 ब्लॉक और लगा देने हैं ऐसे करके। तो आपको ऐसा रेक्टेंगल प्लेस करना पड़ेगा स्क्वायर के ऊपर, सेम आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे गाइस आपको इस साइड करना पड़ेगा, तो अपन लोग पीछे वाले 2 ब्लॉक छोड़ेंगे और यहाँ पे 3 लगाएंगे और 3 यहाँ पे लगाएंगे, देन 2-2 इसको इंक्रीज कर देंगे। तो इतना करने के बाद में जो शेप अपन ने यहाँ पे बनाई है, अब इसको अपन को 2 बार रिपीट करना है। तो अपन लोग 3 वापस से ऊपर लगाएंगे इसके और 3 इनके आगे लगा देंगे 2-2 करके ऐसे करके, फिर 1 बार और कर देंगे अपन लोग, 3 ऊपर लगाएंगे और यहाँ से जोड़ देंगे, फिर 2-2 करके और लगा देंगे यहाँ पे, ताकि आपके रेक्टेंगल 2 बार और बन जाए। सेम आपको रिपीट करना है यहाँ पे, तो इसको भी कर लेते हैं। तो ये आपके ऐसे बन जाएगा शेप दोनों साइड पे। तो जब आपका लास्ट वाला बन जाएगा ना, तो आपको उसके आगे यहाँ पे 2 और इंक्रीज कर देने हैं ब्लॉक्स, यहाँ पे भी कर देने हैं और यहाँ पे भी करने हैं। तो गाइस इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा आपका पॉलिश ब्लैकस्टोन ब्रिक्स, और आपको लेनी पड़ेगी पॉलिश ब्लैकस्टोन ब्रिक स्टेयर्स, और ये लेके आपको यहाँ पे कोने पे आना है। तो गाइस कोने में आके गाइस आपको यहाँ पे 2 लगाने हैं, 2 यहाँ पे लगाने हैं, फिर आपको स्टेयर 1 यहाँ लगानी है और 1 यहाँ पे लगानी है। देन सेम ब्लॉक लेना है और पीछे आपको 3 लगाने हैं इस बार इसके, और यहाँ पे भी 3 लगाने हैं, एंड इसके ऊपर आपको लगानी है स्टेयर यहाँ पे और यहाँ पे, और 2 लगानी है पीछे उल्टी करके, 1 ऐसे और 1 ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो इतना करने के बाद में अब आपको इनके ऊपर लगाने 2 आपके ब्लॉक्स यहाँ पे और यहाँ पे, देन वापस से सेम स्टेयर लगानी है यहाँ पे और इनके पीछे भी लगानी है उल्टी करके, जो अपने नीचे रिपीट किया था सेम करना है आपको। देन आपको वापस से 2 लगाने ब्लॉक्स इनके ऊपर, और फिर वापस से आपको लगानी है यहाँ पे जो आपकी स्टेयर्स है, इनके पीछे भी लगानी है आपको ऐसे उल्टी करके यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो जो अपन ने यहाँ पे किया प्रोसेस, सेम रिपीट करना है आपको इस वाले कोने पे यहाँ पे भी। तो कर लेते हैं 2-2 करके लगा लेते हैं, एंड स्टेयर लगा लेते हैं यहाँ पे। Eventually. तो दोनों साइड में मैंने सेम टू सेम कर दिया है, आपको भी बिल्कुल सेम करना पड़ेगा। तो इतना करने के बाद में अब आपको लेना है यहाँ पे पॉलिश ब्लैकस्टोन ब्रिक्स, और आपको यहाँ पे ऊपर आना है और इस वाले कोने पे आपको 4 लगाने हैं, 1 2 3 4, सेम यहाँ पे करना है 1 2 3 4। देन लेनी है आपको ब्लैकस्टोन की स्टेयर्स, 1 यहाँ लगानी है 1 यहाँ लगानी है, देन इसके नीचे आपको उल्टी लगानी पड़ेगी यहाँ पे और 1 यहाँ पे, देन आपको 1 स्टेयर और प्लेस करनी है सीधी। अब बेसिकली गाइज आपको यहाँ पे स्टेयर प्लेस करती जानी है नीचे तक, कुछ इस तरह से जैसे मैं प्लेस कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट प्लेस करनी है, जब तक आप यहाँ पे नहीं आ जाते, ठीक है। सेम रिपीट करनी है प्रोसेस यहाँ पे भी। तो 1 उल्टी लगानी है, फिर 1 सीधी लगानी है, फिर 1 उल्टी लगानी है, फिर 1 सीधी लगानी है। Eventually. और यहाँ पे भी आपको सेम करनी है, ठीक है। जो अपन ने यहाँ पे प्रोसेस किया, अब आपको रिपीट करना है यहाँ पे भी। सेम आपको ऊपर आना है और कोने पे 4 लगाने हैं, 1 2 3 4, और 4 यहाँ लगाने हैं, 1 2 3 4, देन स्टेयर लगानी है यहाँ पे, एंड सेम रिपीट करना है प्रोसेस जो अपन ने वहाँ पे किया था। 2000 years later. तो
तो ये आपका ऐसे बन जाएगा और दोनों साइड पे गाइस आपके ऐसे बनने चाहिए बिल्कुल, ठीक है, कोई भी गड़बड़ मत करना। सो इतना करने के बाद में गाइस अब आ रही है इसके इस वाले साइड की। तो गाइस अब आपको यहाँ पे आना है और अंदर की साइड पे अब आपको यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक प्लेस करना है, देन आपको यहाँ पे स्टेयर लगानी है दो, सेम यहाँ पे रिपीट करना है आपको, देन आपको इसके ऊपर दो लगाने हैं और दो ब्लॉक यहाँ पे लगाने हैं, स्टेयर लगानी है दो दो करके, एक तो ऐसे और एक उल्टी यहाँ पे, देन वापस से दो ब्लॉक लगाने हैं यहाँ पे और यहाँ पे, देन सेम चीज रिपीट करनी है, स्टेयर लगानी है, देन वापस से दो ब्लॉक लगाने हैं यहाँ पे और यहाँ पे, एंड इस बार आपको सिर्फ एक स्टेयर लगानी होगी यहाँ पे और एक लगानी पड़ेगी यहाँ पे, सेम रिपीट करना है प्रोसेस आपको यहाँ पे भी। 2000 years later. तो मैंने यहाँ पे भी बिल्कुल सेम कर दिया जो मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है, तो आपको भी बिल्कुल सेम करना पड़ेगा। सो इतना करने के बाद में गाइस अब आपको लेना है यहाँ पे ब्लॉक और ब्लॉक आपको इसके पीछे प्लेस करना है स्टेयर के, देन आपको एक स्टेयर के ऊपर प्लेस करनी है ऐसे करके, देन पीछे लगाना है ब्लॉक, देन वापस स्टेयर प्लेस करनी है, फिर लगाना है ब्लॉक, फिर स्टेयर प्लेस करनी है और फिर लगाना है ब्लॉक, फिर एक लास्ट आपको एक और स्टेयर यहाँ प्लेस करनी पड़ेगी, मतलब टोटल प्लेस करनी पड़ेगी 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, सेम रिपीट करना है पीछे भी। फिर जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको ब्लॉक लगाने स्टार्ट करने हैं और एक ये वाली ब्लॉक तोड़ के आपको यहाँ पे ब्लॉक लगाना पड़ेगा, सेम यहाँ पे करना है 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वाला ब्लॉक तोड़ना है और यहाँ पे लगाना है, तो ये आपकी ऐसे बननी चाहिए बिल्कुल, सेम रिपीट करनी है आपको यहाँ पे भी। 2000 years later. अगर आपने यहाँ पे जरा सी मिस्टेक कर दी ना तो पूरा बिगड़ जाएगा, फिर मुझे मत बोलना, इसलिए गाइस ये वाला पार्ट ढंग से देखना कि मैंने कैसे लगाया है और बिल्कुल सेम बनाना, ठीक है। तो इतना करने के बाद में अब आपको लेनी है यहाँ पे स्टोन की स्टेयर्स और स्टोन ब्रिक स्टेयर्स और आपको यहाँ पे लगा देनी है जहाँ जहाँ पे अपन ने ये गैप छोड़े थे, तो यहाँ पे लगाने के बाद में अब आपको यहाँ पे पीछे आना है और पीछे भी सेम करना है, यहाँ पे लगानी है स्टेयर उल्टी करके, इस बार सेम आपको रिपीट करनी है यहाँ पे, देन गाइस स्टेयर जो है आपको यहाँ पे ऊपर भी लगानी पड़ेगी यहाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा देना, सेम रिपीट करनी है पीछे, Eventually. कुछ इस तरह से लगानी पड़ेगी आपको और यहाँ पे ऊपर भी लगानी पड़ेगी इस तरफ, सेम यहाँ पे करना है। तो इतना करते गाइस अपना जो पिलर है पूरा बन चुका है। सो इतना करने के बाद में आपका जो पिलर है वो ऐसे बन जाएगा और आपका जो फेरिस व्हील का मिडिल वाला पार्ट है ना वो यहाँ पे बन जाएगा। तो इतना बनाने के बाद में अब बार ये अपना मेन काम जो के होने वाला है यहाँ पे एक पूरा सर्कल क्रिएट करना बिल्कुल ऐसा, और ये क्रिएट करने वाले हो आप रेडस्टोन लैम्प का यूज करके, ताकि गाइस इसके अंदर अपन लोग रेडस्टोन का करंट डालेंगे ताकि उससे एकदम जगमग जगमग लाइट जलेगी, बिल्कुल दिवाली वाली फीलिंग आएगी आपको, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको आना पड़ेगा यहाँ पे बिल्कुल मिडिल में इस वाले पिलर के, और यहाँ पे गाइस जहाँ पे अपन ने तीन ब्लॉक लगाए थे ना ये वाले ग्रास के, आपको इस तरफ आना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको है ना 5 ब्लॉक प्लेस करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और 6th वाले ब्लॉक पे आपको 2 ब्लॉक प्लेस करने हैं, 1, 2, ठीक है, ऐसे तो कुछ ऐसा आपको प्लेस करना पड़ेगा। देन गाइस आपको यहाँ पे लेना है रेडस्टोन लैंप और आपको यहाँ पे सिंगल सिंगल दो प्लेस करने हैं, देन साइड में इसके तीन तीन लगा देने हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और यहाँ पे भी सेम करना है 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो सर्कल है वो कहाँ पे बनने वाला है, आपका सर्कल बनने वाला है इस वाली रो पे पूरा, ठीक है। तो सर्कल को पूरा कंप्लीट करने के लिए अब आपको गाइस एज अ रेफरेंस ये वाली फोटो यूज करनी पड़ेगी जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, और आपको ये फोटो का यूज करके पूरा सर्कल यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा अपने आप से, क्योंकि अगर गाइस मैं आपको सिखाने बैठूंगा ना तो गाइस ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा और कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं इसको पूरा बना के आपसे मिलता हूँ, तब तक गाइस आप भी बना लेना। 2000 years later. तो यार इस तरह से गाइस आपको पूरा जो सर्कल है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है और मुझे गाइस कम से कम यहाँ पे ना 20 मिनट लग गए इसको बनाने में। तो यार सर्कल बनाने के बाद में अब आपको आना है आपके पीछे वाली साइड पे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद में आपको लेना पड़ेगा आपका जो कोई भी ब्लॉक है ग्रास ब्लॉक, और यहाँ पे जो तीन ब्लॉक लगे हुए हैं ना इनके आगे आपको तीन तीन ब्लॉक लगाने स्टार्ट करने हैं, और एक आपको छोटा सा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है ऐसा। प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के बाद में अब जो भी अपन ने यहाँ पे ब्लॉक लगा रखे हैं ये वाले, इनको आपको तोड़ लेना है। सुविधा करने के बाद में अब आपको यहाँ पर लेना है आपका टेम्प्ररी ब्लॉक, और टेम्प्ररी ब्लॉक लेके आपको आना है इस वाले सर्कल के पीछे, और पीछे आगे गाइस आपको अब यहाँ पे लगाने स्टार्ट करने हैं तीन 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 यहाँ लगाने, मतलब तीन तीन अब आपको यहाँ पे लगाने से स्टार्ट करने पड़ेंगे, सिर्फ ऊपर की जो रो है ना आपकी आपको बस यहाँ यहाँ पे लगाने हैं तीन तीन करके कुछ इस तरह से, और ये तीन तीन करके गाइस आपको ये पूरा लगाना पड़ेगा इसके अंदर अंदर वाले ब्लॉक पे, और ये पूरा आपको लगाना पड़ेगा इसके सराउंडेड। तो ये वाला काम मैं आपसे 2 मिनट में करके मिलता हूँ, तब तक आप भी कर लेना। 2000 years later. तो इस तरह से गाइस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा तीन तीन ब्लॉक करके, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है बिल्कुल सेम टू सेम। तो इतना करने के बाद में गाइस अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे दो ब्लॉक अंदर के तोड़ लेने हैं, ठीक है, ये सारे ब्लॉक यहाँ पे तोड़ लेने हैं अंदर वाले। तो इस तरह से गाइस आपको जो यहाँ पे सामने की दो रो थी आपको पूरी तोड़नी है,
तो आपकी ऐसी सिंगल बच जाएगी। ठीक है, तो जैसी आपकी सिंगल बच जाएगी तो अब आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा आपका जो ऑब्जर्वर ब्लॉक है वो लेके आपको यहाँ पे नीचे की साइड पे आना है। और जो अपन यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था आपको इधर दो ब्लॉक छोड़ के थर्ड वाले ब्लॉक पे आपको एक यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करना है। देन आपको इसके ऊपर लगाना है टेम्पररी ब्लॉक और यहाँ पे पीछे दो ऑब्जर्वर लगा देने हैं ऐसे करके। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लगाना, इनके एरो यहाँ पे होने चाहिए। देन इस वाले ब्लॉक को तोड़ लेना और यहाँ पे प्लेस करना आपका रेसून का कंपेरेटर। कंपेरेटर प्लेस करने के बाद में आपको यहाँ पे दो एक्स्ट्रा ब्लॉक लगाने हैं टेम्पररी। देन आपको यहाँ पे लगाना है एक हॉपर इसमें जोड़ते हुए। देन आपको एक हॉपर इसमें लगाना है, फिर एक इसमें लगाना है और इस वाले ब्लॉक को तोड़ के एक इसमें लगा देना है। ठीक है, तो आपको एक ऐसी बना देनी क्लॉक टाइप की ताकि जब भी आप इसमें ब्लॉक डालोगे ना तो ये आपका ऐसे घूमने लग जाएगा और इससे आपका रेडस्टोन का सिग्नल यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी अपना सामान निकाल लेते हैं भाई, एक मिनट। सो इतना करने के बाद में अब आपको लेना है ऑब्जर्वर ब्लॉक और ऑब्जर्वर ब्लॉक लेके आपको इस वाले पे प्लेस कर देना है जो अपन ने अभी नीचे दो प्लेस कर रहे थे, और जो इसका डॉट होगा ना रेड वाला वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, देन गाइस आपको ना अब इसके पीछे दो और लगाने हैं। देन आपको जैसे ही आपका ये एंगल आ जाएगा ना ऊपर जाने का, तब आपको इसके ऊपर एक और लगा देना है ऑब्जर्वर के ऊपर ऑब्जर्वर ऐसे एरो करते हुए, जो इसका डॉट है वो ऐसे ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो इतना करने के बाद में अब आपको सेम करना है प्रोसेस, यहाँ पे लगाने हैं और जैसे ही आपका ये आ जाएगा एंगल वैसे ही आपको एक ऊपर लगा देना है। ठीक है, मतलब गाइस एक लगाने के बाद में ऊपर अब आपको है ना दो लगाने पड़ेंगे ऐसे साइड में, इसका एरो होना चाहिए यहाँ पे। देन जैसे ही आपका ऐसे ऊपर एक ब्लॉक आ जाएगा वैसे ही आपको ऊपर लगाना है एक, देन सिंगल लगाना है, फिर ऐसे ऊपर लगाना है। अब ये जो चीज है ना आपको रिपीट करते जानी है, और जैसे गाइस आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको दो लगाने हैं ऐसे ऊपर जाते हुए, देन सिंगल लगाना है साइड में। मतलब गाइस काफी सिंपल है, बस आपको ये वाला जो पैटर्न है ये फॉलो करते जाना है और कुछ भी नहीं करना। फिर गाइस जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे पीछे मुड़ जाना है सिंपली, और यहाँ पे आपको इस बार ऐसे लगा देना है एरो करके, देन सिंपली सेम करना है रिपीट, ऊपर जाना है, देन एक आपको साइड में लगाना है टीढ़ा करके, देन ऊपर जाना है। इसलिए गाइस मैंने आपसे ये बनवाया था, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये क्यों बनवाया था सर्कल। इससे क्या होगा ना आपका ये लगाने के लिए काफी इजी हो जाएगा। तो गाइस फटाफट से कर लेते हैं वाला काम अपन लोग, आप मेरा वीडियो यहाँ पे देख सकते हो या तो खुद भी लगा सकते हो, काफी सिंपल है। तो गाइस जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना तो अब आपको जाना पड़ेगा यहाँ से नीचे। अभी तो आप लोग यहाँ से ऊपर आए हैं, अब आपको जाना है यहाँ से नीचे। तो उसके लिए गाइस सिंपली क्या करना है, अब आपको बस इसको उल्टा लगाना है, जो डॉट होगा वो आपका नीचे आएगा। ठीक है, तो सिंगल डॉट यहाँ पे आ जाएगा, देन आपको सेम करना है रिपीट, यहाँ पे एरो होना चाहिए इस तरफ आपका, देन सेम रिपीट करना है आपको, यहाँ पे ब्लॉक लगाना है, देन नीचे लगाना है, देन ब्लॉक लगाना है, देन नीचे लगाना है। ठीक है, तो काफी सिंपल है ये। अब जैसे गाइस आप यहाँ पे आ जाओगे ना तो आपको यहाँ पे पीछे मुड़ जाना है, और पीछे मुड़ते ही बस सिंपली अब आपको यहाँ पे एक निकाल देना है आपका, देन सिंपली आपको नीचे जाना पड़ेगा एंड फिर वापस से एक यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, बाद में चेक करेंगे पूरा लगाने के बाद में। तो अब जब यहाँ पे आ जाओगे आप तो सेम करना है रिपीट, आपको नीचे लगाना है फिर साइड में लगाना है, नीचे लगाना है साइड में लगाना है, नीचे लगाना है, और ये करते करते गाइस आपको पूरा इसको लेके आना है यहाँ तक, इससे जोड़ देना है। तो ये आपका सिग्नल पूरा ऐसे बन जाएगा, मतलब आपका पूरा ऐसे बन जाएगा। तो अपन एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इसको तोड़ते हैं और यहाँ पे एक बार डालते हैं अपना एक ब्लॉक हॉपर में और देखते हैं यहाँ पे लाइट जल रही कि नहीं जल रही। तो देखो गाइस यहाँ पे लाइट जलनी स्टार्ट हो गई है हर एक, मतलब हर एक अपने ऑब्जर्वर के अंदर। अब यहाँ पे लास्ट ब्लॉक लगा देते हैं अपन लोग अपना और इसको निकाल लेते हैं, अभी जरूरत नहीं है इसको करने की। तो बस मैं आपको गाइस यही बोलना चाहूंगा कि इसको आप बिल्कुल ढंग से बनाना, वरना आपका बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यार इसको लगाना काफी, मतलब इसको आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसे लगाना पड़ेगा, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कर दोगे ना तो ये काम करना बंद कर देगा। तो इतना करने के बाद में जब आप ये सब कर लोगे ना, अब क्या करना है आपको, अब आपको सिंपली वापस से आपके ऑब्जर्वर ब्लॉक लेना है और जितने भी यहाँ पे अपन ने ऑब्जर्वर लगा रखे है ना आपको सबके आगे एक एक ऐसे लगा देना है, जितने भी लगा रखे है ना सबके आगे लगाना पड़ेगा आपको एक एक, और सबका डायरेक्शन होना चाहिए ऐसे, सबके एरो यहाँ पे होने चाहिए रेडस्टोन लैंप पे जाने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे नीचे वाले पे भी लगाना पड़ेगा आपको इन वालों पे, तो ये वाला काम आप कर लेना, मैं करके आपसे मिलता हूँ। आपको एक भी ऑब्जर्वर छोड़ना नहीं है, आपको हर एक के पीछे लगाना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वर लगा रखे अपन ने हर एक के ऊपर अटैच होना ही चाहिए दूसरा ऑब्जर्वर, वरना गाइस इनमें लाइट नहीं आएगी। ठीक है, और जो इनके एरोज है ना आपके ऑब्जर्वर की वो आप चेक कर लेना कि ऐसे होने चाहिए बिल्कुल।
तो गाइज मैंने यहाँ पे हर एक के पीछे लगा दिया है, जितने भी ऑब्जर्वर थे पीछे वाले लेयर के मैंने सबके आगे लगा दिया है एक एक करके, ठीक है। तो आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। तो यार अब बारी है इसको टेस्ट करने की। अब क्या होना चाहिए ना, अब जैसे अपन लोग यहाँ पे हॉपर में डालेंगे कोई भी आइटम, तो यहाँ पे लाइट जलनी चाहिए और लाइट यहाँ से जानी चाहिए घूमती हुई पूरी और वापस से यहाँ पे आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो यार डालते हैं हॉपर के अंदर कोई भी आइटम। तो देखो गाइज अपनी लाइट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और पूरी जा रही है ये घूमती हुई। और यहाँ पे गाइज दो ये वाले ब्लॉक जल नहीं रहे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इसका मैं बताता हूँ आपको इलाज, अभी रुक जाओ। और यहाँ पे भी यार ये दो जल नहीं रहे ये वाले। तो आपको भी पूरा चेक करना पड़ेगा कि आपके हर एक ब्लॉक के अंदर लाइट जल रही है या फिर नहीं जल रही, ठीक है। तो यार अभी अपने यहाँ पे चार में प्रॉब्लम आ रही है, चार लाइट जल नहीं रही है, तो वो पहले ठीक कर लेते हैं। बाकी पूरा बन चुका है ये, ठीक है। तो आपको आना है यहाँ पे पीछे जहाँ पे आपकी लाइट काम नहीं कर रही, एक तो ये वाली नहीं कर रही और एक ये वाली नहीं कर रही, ठीक है। तो आपको इस वाले पोर्शन पे आना है और यहाँ पे गाइस और इस वाले ऑब्जर्वर के आगे आपको एको लगानी है और एक आपको ऐसे लगा देनी है, ठीक है। एक एरो ऐसे और एक एरो ऐसे, सेम आपको नीचे करना है। इस वाले पे लगानी है आपको एक ऐसे और एक लगा देनी है ऐसे करके, सेम रिपीट करना है उस तरफ। तो आपको यहाँ पे आना है पीछे और यहाँ पे भी सेम करना है, एक यहाँ निकालनी है और एक यहाँ पे लगानी है और एक गाइस यहाँ पे निकालनी है और एक यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। तो इससे आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे लाइट चलना स्टार्ट हो चुकी है और देखो इस बार सारी की सारी जल रही है, अपनी वो दो लाइट भी फिक्स हो चुकी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो चलो अभी इसको बंद कर देते हैं और जो बाकी का काम है वो कर लेते हैं। तो इतना करने के बाद में अब आपको पीछे आना है और पीछे आके आपको जितने भी ब्लॉक्स है ना आपके फालतू के जो अपने लगाए थे टेम्पररी ब्लॉक्स, आपको सारे तोड़ लेने हैं eventually। तो यार अब बारी है यार इसमें दो तीन काम करने की। तो अब आपको लेना है यहाँ पे ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज और वो लेके आपको सामने आना है। एंड सामने आने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे एक टेम्पररी प्लेस करना है, देन नीचे एक प्लेस करना है, इसको तोड़ना है। अब आपको गाइस इसकी पूरी बाउंड्री यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये वाले ब्लॉक का यूज करते हुए आपको ऐसे लेके आना है एंड आपको पूरी बाउंड्री लगा देनी है। तो ये पूरा घुमाते हुए लेके आना है, तो मैं आपसे करके दो मिनट में मिलता हूँ, तब तक आप भी कर लेना। तो इस तरह से गाइस आपको वैसे पूरी बाउंड्री बना देनी है। सो यार एक लगाने के बाद में अब आपको लगानी है सेकंड लेयर जो कि लगने वाली है ऊपर की साइड पे। तो यहाँ पे लगाना है टेम्पररी ब्लॉक, देन आगे प्लेस करना है और सेम रिपीट करना है प्रोसेस जो अपन ने नीचे किया था। तो बस आपको यहाँ पे लगानी स्टार्ट करनी है, बस रेस्टोरेंट लैम्प के आगे मत लगा देना, ऊपर ऊपर लगानी है आपको जहाँ पे ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो जब गाइज आप यहाँ पे पहुंच जाओगे ना इस वाले एरिया पे जहाँ पे आपके ऐसे दो ब्लॉक बचे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है क्वार्ट्ज की स्टेयर्स और आपको एक यहाँ प्लेस करनी है और एक इसके पीछे प्लेस करनी है यहाँ पे। देन इसके ऊपर दो ब्लॉक लगा देना है, देन सेम रिपीट करना है, आपको एक स्टेयर यहाँ प्लेस करनी है और एक यहाँ पे प्लेस करनी है। तो ये आपका ऐसे फॉर्म होना चाहिए शेप, सेम वहाँ पे भी करनी पड़ेगी अपन को। तो पहले अपन इसको लेके चलते हैं वहां तक। जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे सेम करना है रिपीट, आपको एक स्टेयर यहाँ लगानी है, एक पीछे लगानी है इसके, देन दो लगाने क्वार्ट्ज के ब्लॉक्स, देन एक स्टेयर यहाँ पे और एक स्टेयर पीछे यहाँ पे, ऐसा शेप फॉर्म करना है दोनों साइड पे। देन सिंपली गाइस सेम चीज रिपीट करनी स्टार्ट करनी है, ब्लॉक लगाने और कुछ भी नहीं करना, और पूरा ब्लॉक लगाते लगाते पूरा जोड़ना है वहाँ पे, ठीक है, बस यहाँ पे जोड़ देना है। तो इससे गाइस आपका पूरा ऐसे बनना चाहिए और इसे लुक आपका ऐसे आएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद में अब बचता है अपना बीच वाला पार्ट, जो लाइट अपन ने यहाँ पे लगाई है दिवाली वाली वो लगने वाली है यहाँ पे बीच में भी, तो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यार अंदर लाइट लगाने के लिए अब आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे आपका जो ऑब्जर्वर ब्लॉक है, और ऑब्जर्वर ब्लॉक लेके आपको यहाँ पे आना है। देन गाइस आपको यहाँ पे ब्लॉक लगाने स्टार्ट करने हैं ऑब्जर्वर वाले, और सबके जो रेड डॉट है वो पीछे होने चाहिए, और आपको यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर जगह पे लगाना है कि मतलब आपको पूरा पैक कर देना है इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। देन लेने हैं आपको रेस्टोरेंट लैंप्स और आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है आपके जितने भी यहाँ पे ऑब्जर्वर लगाए ना अपने उनके पीछे। इतना करने के बाद में अब आपको पीछे से यहाँ पे अंदर आना है, और अंदर आने के बाद में जो मिडिल के दो ब्लॉक लगे हुए ना आपको यहाँ पे दो लगाने हैं टेम्पररी ब्लॉक्स, और इनके पीछे लगाना है रेस्टोरेंट लैंप ऐसे करके, इनको तोड़ना है। देन आपको इस तरफ आना है और आपको यहाँ पे लगाना है ऑब्जर्वर इन वाले ब्लॉक पे ऐसे करके, जो एरो होगा ना वो जाना चाहिए इनके अंदर, इन वाले ऑब्जर्वर में जाना चाहिए एरो, ठीक है, दोनों का। तो आपका ऐसे बनना चाहिए। सो इतना करने के बाद में अब थोड़ा यहाँ पे तोड़फोड़ करना पड़ेगा, आपको ये दो ब्लॉक तोड़ने पड़ेंगे और आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। देन जो यहाँ पे दो ऑब्जर्वर लगे हुए ना सामने, आपको यहाँ पे ऑब्जर्वर लगाते हुए प्लेस करने हैं, ठीक है, आपको छह ऑब्जर्वर लगाने हैं ऐसे करके। देन दो ब्लॉक तोड़ के यहाँ पे आना और उसको पैक कर देना अपने ब्लॉक से, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एरो करते हुए आपको लगाने पड़ेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है, सेम करना है आपको यहाँ पे। तो दो ब्लॉक तोड़ लेना और यहाँ पे आना और सेम चीज करना, तीन नीचे लगाना तीन यहाँ पे लगाना, और इस वाले के एरो होने चाहिए इस तरफ जो अपन ने यहाँ पे तोड़ फोड़ करी, इसको पूरा फिल कर देना सही से। तो ऐसे लगाने के बाद में अब सेम चीज करनी है आपको ऊपर की तरफ, अब आपको लेना है ऑब्जर्वर ब्लॉक और इस बार आपको गाइस ऊपर की तरफ लगाना है, ऊपर डॉट आना चाहिए आपका, सेम आपको अब यहाँ पे ऊपर जाके तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी इन वाले ब्लॉक पे, और यहाँ पे आपको तीन लगाने पड़ेंगे ऊपर की साइड पे ऐसे करके। देन ऊपर लगा देना आपके ब्लॉक्स। स्वेता करने के बाद में अब आपको जाना है नीचे, और नीचे गाइज आपको दो ब्लॉक छोड़ के थर्ड वाले तीन ब्लॉक तोड़ने हैं और लेने ऑब्जर्वर ब्लॉक,
और आपको इस बार नीचे होते हुए लगाने हैं ऐसे करके। इनका जो एरो है वो यहाँ पे नीचे होना चाहिए, तो सब पे लगा देना, जितने भी यहाँ पे ऑब्जर्वर लगे हुए हैं आपके हर एक के नीचे लगा देना, और यहाँ पे लास्ट में 3 लगा देना, और नीचे आप पैक कर देना अपने ब्लॉक्स यहाँ पे क्वार्ट्ज के। तो ये आपका ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन गाइस सेम करना बिल्कुल। सो इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे लेने क्वार्ट्ज के ब्लॉक्स, और आपको गाइस यहाँ पे 4 लगाने ऐसे करके, और पीछे यहाँ पे 2 लगा देना है। देन लेना है ऑब्जर्वर, और इस वाले ब्लॉक पे लगाना है ऑब्जर्वर ऐसे करते हुए। देन इसके आगे लगाना है रेसून का रिपीटर, और यहाँ पे रेसून डस्ट लगा देनी है। एंड गाइस जो अपन ने यहाँ पे रिपीटर लगाया ना, इसको आपको 4 टिक पे कर देना है, लास्ट वाली टिक पे। एंड फिर लेना है आपको एक ब्लॉक आपका बिल्डिंग वाला, और एक आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है। इसके फ्रंट पे लगाना है आपको हॉपर, एंड इसको तोड़ते हुए फिर आपको एक हॉपर में लगाना है ऐसे करके। देन इसके आगे आपको इस वाले ब्लॉक पे लगाना है कंपैरेटर, तो इससे गाइस आपका ये हो जाएगा चालू। अब बस आपको क्या करना है, इसके अंदर डालना है आपको आपका एक रेस, मतलब कुछ भी आइटम डाल देना है एक आइटम यहाँ पे, तो इससे आपकी क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी, और क्लॉक स्टार्ट होते ही गाइस ये ऐसे चलने लग जाएगा आपका। सुबिता करने के बाद में अब गाइस आपको ये पूरा यहाँ पे ब्लॉक लगा के इस पूरे को पैक कर देना है पीछे वाले पार्ट को। एंड इसको ऑन करने के लिए बस आपको इस वाले हॉपर में डालना पड़ेगा कोई भी आइटम, और इससे आपकी लाइट हो जाएगी स्टार्ट। एंड इसी के साथ गाइस अपना पूरा का पूरा जो फेरिस व्हील है वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो अगर आपको गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो हमारा लाइक गोल है उसको पूरा कंप्लीट कर देना। साथ में यार अगर आप लोग यार चैनल पे नए आए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं ऐसे ही कंटेंट लेके आता रहता हूँ। अभी यार फ्यूचर में मैं और भी राइड्स लेके आने वाला हूँ एम्यूजमेंट पार्क वाली, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।